जियो अपने रिचार्ज प्लान की नई लिस्ट जारी कर चुका है। तो नई लिस्ट किस रेट के हिसाब से है, कितनी वैलिडिटी मिलेगी, आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर की सारी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब ने अपने अपने नए नए रिचार्ज प्लान की लिस्ट जारी कर दी है। अब जियो ने भी अपना नए रिचार्ज प्लान की लिस्ट जारी की है, जो जियो ने अब सबसे लास्ट में अपने रिचार्ज प्लान की जो लिस्ट है जारी की है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जियो ने नया नया कौन कौन से प्लान आपके लिए लेकर आया है, यानी कि सारे प्लान अब बदल दिए गए हैं, अब सबकी वैलिडिटी बदल गई है, प्लस आपके सारे रेट भी बदल चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप भी जियो के कस्टमर है तो आप हर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बन रहेगा। मैं हूं सुरप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मैं चौबे टेक्निकल। दोस्तों आप हमें पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारे द्वारा बने टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो या फिर टेक्निकल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब आपको मुझे जियो के सारे रिचार्ज प्लान की जो नई लिस्ट है आपको समझानी है, ठीक है। अब आप यहां पर सबसे ऊपर देख सकते हैं कैटेगरी, MRP, डाटा, यहाँ पे वो मतलब FUP मतलब मिनट कॉलिंग पे बात करने के लिए, प्लस वैलिडिटी, ठीक है। इन सारी चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है और जियो की नई प्लान की लिस्ट है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मंथ के प्लान की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ लिखा है, तो 1 मंथ का अर्थ है यहाँ पर 28 दिन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 199 रुपये अगर आप देते हैं तो आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और 1000 मिनट बात करने के लिए मिलेंगे और 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों 2 मंथ के प्लान देखा जाए, दोस्तों 2 मंथ का जो प्लान है ना ये केवल जियो प्रोवाइड करा रहा है, बाकी दूसरी कंपनियां 2 महीने का प्लान प्रोवाइड नहीं करा रही है। जिसमें आपको दोस्तों देखिए 399 रुपये का रिचार्ज आप कराते हैं तो 1.5 GB पर डे मिलेगा और 2000 मिनट मिलेंगे और आपको 56 दिन मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहले इसके अंदर आपको 3 महीने मिलते थे, यानी कि इस वाले प्लान के अंदर आपको 84 दिन मिलता था, ठीक है। अब 444 वाला रिचार्ज की बात कर ले जो 2 महीने के लिए, इसमें 2 GB पर डे मिलेगा, ठीक है। जो 2 GB पहले पर डे मिलता था जिसमें आपको 2000 मिनट मिलेंगे अलग से, लेकिन इसकी वैलिडिटी अब कम हो गई, यानी कि 56 दिन की हो गई है। अब दोस्तों तीसरे नए प्लान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने का प्लान यानी कि 84 दिन का, जिसमें 555 रुपये देते हैं तो आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा, 3000 मिनट मिलेंगे और 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 399 वाला प्लान अब आपको 555 का मिल चुका है, मतलब हो चुका है एक प्रकार से देखा जाए तो। अब दोस्तों नेक्स्ट प्लान की बात करें तो 599 वाला प्लान, इसमें 2 GB पर डे मिलेगा, 3000 मिनट आपको अलग से मिलेंगे और 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो 444 वाला रिचार्ज इसके अंदर अब कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब कहने करते ये दोनों रिचार्ज प्लान बंद तो नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी जो वैलिडिटी है ना कम कर दी गई है, ठीक है। और बाकी अगर वैलिडिटी अगर ज़्यादा चाहिए, मतलब इनके इतना जो पहले इनकी वैलिडिटी थी अगर उतना इतना चाहिए तो आपको अब करना पड़ेगा इस 555 और 599 रुपये का रिचार्ज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 महीने के लिए जो प्लान है ना, मतलब 12 महीने का इनका एक बेस्ट प्लान है 2199 रुपये का, मतलब कुल मिला के 2200 रुपये का प्लान है, जिसमें आपको पर डे आपको 1.5 GB पर डे मिलेगा और 1200 मिनट मिलेंगे, प्लस आपको 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर 1299 जो अब हो गया है, पहले ये 1699 रुपये था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई लिस्ट है जो जियो ने ही जारी किया है, यहाँ पर एफोर्डेबल प्लान, मतलब कि जो सस्ते प्लान है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपको दोस्तों 28 दिन की, 84 दिन की और एक 365 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान के बारे में बताया गया है। इसमें 129 वाले प्लान के अंदर आपको 2 GB मिलेगा, केवल 2 GB मिलेगा, पर डे नहीं मिलेगा, केवल 2 GB 28 दिन तक मिलेगा, प्लस आपको 1000 मिनट मिलेंगे बात करने के लिए और 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 329 वाला प्लान, जिसमें आपको 6 GB मिलेंगे पूरे 84 दिन के लिए, ठीक है, और 3000 मिनट मिलेंगे यहाँ पर पूरे बात करने के लिए। और ठीक उसी प्रकार ये जो 1299 रुपये का प्लान है 365 दिन के लिए, जो यहाँ पर इनके 2199 वाला प्लान 365 दिन के लिए था, इसमें आपको 24 GB डाटा ही मिलेगा पूरे 365 दिन के लिए और 1200 मिनट मिलेंगे, 12000 मिनट आपको मिलेंगे पूरे 1 साल के लिए बात करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था बिल्कुल एक जियो का मतलब नया रिचार्ज लिस्ट प्लान, ठीक है। तो जियो का नया रिचार्ज प्लान जो है ये आपको नया था। आप दोस्तों इस नए रिचार्ज प्लान की लिस्ट के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बड़े आसानी से सारी बातों को समझाया है, आपको जियो के जो नए प्लान आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप एक जियो के कस्टमर है तो भी नीचे करके बताइएगा कि आपके लिए प्लान कौन सा बेस्ट रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको उस बात की नॉलेज हो सके। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया था मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ इस प्रकार वीडियो लेकर आऊँगा जो सीधा तौर पर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएगी। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।